क्या आप भी एक हेयर स्टाइलिश है? क्या आपके पास भी कर्ली हेयर के क्लाइंट्स आते हैं? क्या आपको भी स्मूथनिंग करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हैं? तो चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूं मेरी इस वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूं 99% सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करने वाला हूं स्मूथनिंग के रिलेटेड। और इसके लिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं स्मूथनिंग, और रिलैक्सिंग भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, उसमें क्यों मैं रिलैक्सिंग बोल रहा हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा कर्ली हेयर है। आपने देखा इतने ज्यादा कर्ली हेयर को स्ट्रेट करना है। हमने सबसे पहले जो किया है फोर सेक्शनिंग बना ली है, और मैंने ले लिया है लॉरियल का ट्यूब जिसको बोलते हैं स्मूथनिंग क्रीम। लॉरियल में हमने उसको लगाना शुरू कर दिया है क्लाइंट के बालों में, अच्छे से एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देना है। ये वीडियो एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके बनाई है, बिकॉज बहुत टाइम जाता है। यू नो समटाइम्स आप जब वीडियो बना रहे हो और बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाती हैं, तो यहाँ पे हमने जो क्रीम लिया है वो लिया है, कौन सा क्रीम लेंगे, इनके वर्जिन हेयर है, हिना भी नहीं लगा हुआ है, एकदम प्योर एंड मोटे बाल हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे वेरी रेजिस्टेंट स्मूथनिंग क्रीम, जो कि है लॉरियल कंपनी की, अभी जो नई वाली आई है लॉरियल की ऑयल ट्राई, तो वो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैंने बालों में अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ स्मूथनिंग क्रीम, अच्छे से लगा रहा हूँ। जैसे ही पूरी स्मूथनिंग लग जाएगी उसके बाद हम करने वाले हैं इसमें चेकिंग। मैं चेकिंग बताऊंगा आपको कैसे करनी है। तो सब लोगों की प्रॉब्लम होती है कि पहले एप्लीकेशन कैसे करना है, तो हम रूट से छोड़ के एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितना कितना छोड़ दिया है मैंने, हाफ इंच जो है बाल वो रूट से छोड़ दिए हैं, और बाकी सब पे क्रीम लगा रहा हूं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, यहां पे हमने सारे बालों में अच्छे से क्रीम लगा ली है, ये पार्ट दिखाना जरूरी था, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो यहां पे ऑलमोस्ट सारे बालों में क्रीम लग चुकी है। इसके बाद हम करेंगे चेकिंग और हेयर वॉश। चेकिंग क्या करनी है, एक बाल को खींच के देखना है, अगर वो स्ट्रेच हो रहा है, लंबे बाल हो रहे हैं रबड़ की तरह, तो वो हमारे प्रॉपर बालों में से जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो चुके हैं, और अगर वो खींच रहा है और टूट रहा है मतलब वो ओवर प्रोसेस हो रहा है, और अगर खींचते ही टूट रहा है मतलब एकदम से टूट रहा है, खींच नहीं रहा है और टूट गया, दैट मीन अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि वो वैसे की वैसे ही है बाल अभी। तो मैंने यहाँ पे सारे बालों को वॉश कर लिया, फिर मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद मैंने फिर 15 मिनट रखा मास्क को, वो कोई भी मास्क हो सकता है, लॉरियल, मैट्रिक्स, एनीथिंग, कोई भी ब्रांड का। उसके बाद मैं क्लाइंट को ले आया हूँ चेयर पे, उनका मैंने रिंस करने के बाद, मास्क के रिंस करने के बाद सीरम लगाया, सीरम लगाने के बाद पैडल ब्रश किया, पैडल ब्रश के बाद यहाँ पे मैं करूँगा 100% ब्लो ड्राई, मतलब सारे बालों को अच्छे से रिंस करने के बाद सारे टैंगल्स निकाल दूंगा। आप देख रहे हो 80-90% बाल अभी भी जो हैं वो हो चुके हैं क्या, स्ट्रेट, रिलैक्स। ओके, इसके बाद हम शुरू कर लेंगे यहाँ पे आयरनिंग करना, सारे बालों को अच्छे से आयरन करना है, क्योंकि बाल बहुत मोटे भी हैं और टूटे हुए भी हैं। ये कब पता चलता है, जब आप आयरन करते हो, तो हमारी सेकंड चेयर पे आप मिरर में देख रहे हो, वहाँ भी स्मूथनिंग चल रही है, उनका भी क्रीम लगा के छोड़ा हुआ है। ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे काम चलते रहते हैं, कहीं पे कैराटिन कर रहे हैं हम, एक चेयर पे स्मूथनिंग करते रहते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे बैक टू बैक सेक्शन चलते रहते हैं। तो मैंने एक सोचा कि ये आई थिंक बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि कर्ली हेयर और ऊपर से उसको स्ट्रेट कर रहे हैं और वो भी एक अच्छा रिजल्ट देके, तो ये एक बेस्ट वे है दिखाने का, करने का। तो आप एक एक बाल को अच्छे से, टेम्परेचर जो है मैं रख रहा हूँ 230 डिग्री आयरन का, और फिर उसके बाद हम कर रहे हैं स्मूदनिंग। बालों को अच्छे से करना है स्मूद, और पतले पतले सेक्शन लेके हमें करना है आयरन। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आयरनिंग। तो जिन लोगों के भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ अभी के अभी मुझे मैसेज करें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। कुछ लोगों के रिप्लाई रह जाते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे
मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं बैक टू बैक लाइव रहता हूँ वहाँ पे और सब लोगों के रिप्लाई करता हूँ। जो हमारा इंस्टाग्राम है उसका वो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है हेयर सोल्यूशन, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हमें जाके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं सारे मैसेजेस का वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही ये आयरन हो जाएगा उसके बाद हम लगाना शुरू कर देंगे न्यूट्रलाइजर। तो इस तरीके से हम लगा रहे हैं न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर लगाने का तरीका सेम जैसे हमने क्रीम लगाया था उसी तरीके से लगाना है और आपको उसको बैक कॉम करके बालों को नीचे स्ट्रेट करके छोड़ देना है। इसमें वेव नहीं आना चाहिए, ये एक्चुअल में हम एक तरह का प्लास्टर लगा रहे हैं बालों में। प्लास्टर मतलब जैसे आपका किसी भी बंदे का जो हड्डी है वो टूट जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि उसको टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए, तो काफ़ी देर तक वो एक महीने तक प्लास्टर लगा के रखते हैं राइट हाथ में, तो वो हड्डी उसी जगह पे स्टक होके और जुड़ जाती है। बालों का भी ऐसे है बट इसका टाइमिंग इतना लंबा नहीं है। इस प्लास्टर को हमको लगा के रखना है ओनली 10 मिनट, तो ये बालों को एकदम कर देगा स्ट्रेट और जहां पे इस ड्यूरेशन में वेव आएगा तो उन बालों में रह जाएगा वेव। तो ये आप ध्यान रखें कि ये प्रोसेस जो है एकदम सीधा होना चाहिए। फर्स्ट क्रीम जो लगाते हैं वेव आए चलेगा, आयरनिंग में वेव नहीं आना चाहिए करते वक्त, और जब आप न्यूट्रलाइजर लगाते हो तब वेव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम न्यूट्रलाइजर लगा के लॉरियल का उसको बालों को एकदम स्ट्रेट छोड़ रहे हैं और इसको रखेंगे हम पूरा लगाने के बाद 10 मिनट। ओके, जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम कर देंगे रिंस, बालों में से सारा न्यूट्रलाइजर निकाल देंगे। न्यूट्रलाइजर निकालने के बाद इसमें लगा देंगे मास्क। मास्क को हम रखने वाले हैं 15 मिनट तक। वो मास्क कोई भी कंपनी का हो सकता है, प्लीज ये क्वेश्चन मत करिएगा, किसी भी कंपनी का मास्क हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लगा देंगे मास्क को, रिंस करेंगे 15 मिनट के बाद, फिर लगाएंगे सीरम। सीरम लगाने के बाद करेंगे पेडल ब्रश। पेडल ब्रश के बाद हम कर लेंगे इनको 100% ड्राई, बालों को सुखा लेंगे 100%। इस तरीके से देखिए बाल सीधे ही रखने हैं, इसमें वेव नहीं आना चाहिए। जैसे 100% सूख जाते हैं उसके बाद हम इसमें आयरन करके छोड़ेंगे। क्लाइंट को बोलेंगे 24 घंटे तक आपको ना इसमें रबर बैंड डालना है, ना ही इसमें कोई क्लचर डालना है, ना ही इसको गीला होने देना है, ना आपको एक्टिवा चलानी है, ना आपको कोई स्कूटी रन करनी है, ड्राइविंग नहीं करनी है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है, स्विमिंग नहीं करनी है, जिमिंग नहीं करनी है, कुकिंग नहीं करनी है। तो जिन चीज़ों से पसीना आता है और बाल उड़ते हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करती हैं, और जिससे बालों में बैंड आए वो चीज़ नहीं करनी है। सोना तो है, ऑब्वियसली सोना है, पर बेड के एकदम साइड में सोएं ताकि बाल आपको नीचे बेड के नीचे जाएं और वो सीधे ही रहें। तो जैसे ही बालों को ड्रायर कर लेंगे उसके बाद हम कर लेंगे आयरन। पहले कर लेंगे, उससे पहले हम कर लेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करूंगा मैं अपने राउंड ब्रश से, राउंड ब्रश से एकदम बालों को कर लेंगे सीधा, और उसके बाद हम कर लेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई। करने के बाद हम कर लेंगे आयरन। ओके, मैं ये बोलना चाहूंगा जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक का बटन दबा दें, जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करके। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ शेयर कर दें अपने कुलीग्स के साथ ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आएँ वो लोग सॉल्व कर सकें। अपने हेयर स्टाइलिस्ट जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कुलीग्स हैं, आप सबको प्लीज़ ये वीडियो भेज दें आज की आज ही। और इसके बाद जैसे ही हम ब्लो ड्राई कर लेंगे उसके बाद कर लेंगे हम आयरनिंग। मैं इनको आयरनिंग करके भेजूंगा 10 मिनट में आयरनिंग करके, उसमें आई थिंक उसका वीडियो मैं नहीं दिखाने वाला हूं। तो आयरनिंग करने के बाद हम करेंगे इनको भेज देंगे 24 घंटे के बाद हेयर वॉश के लिए बुला लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दें, ठोक दें लाइक, कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन लोगों को और डिटेलिंग में नॉलेज चाहिए वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, हमें कॉल करें।
और लास्ट में बाल पोनी में ऐसे दिखने वाले, जस्ट सी इट, कितने अच्छे लग रहे, कितने हैवी बाल थे, बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाने वाला हूँ। और थैंक यू आप लोगों का, बहुत सारा प्यार देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, 1100 फॉलोअर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, थैंक यू सो मच।